नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को माता लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए भक्तों श्रवण करते हैं। धन वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना युग युग से होती आ रही है। कहते हैं आर्थिक स्थिति अगर मजबूत करनी है तो माता लक्ष्मी का प्रसन्न करना जरूरी है। हम आपको माता लक्ष्मी और उनकी सहेली की एक पौराणिक कहानी बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप भी माँ लक्ष्मी के दोस्त बन सकते हैं? भक्तों से ज़्यादा वो अपने दोस्तों से प्रसन्न होती हैं और धन्य धान्य से उनका जीवन संपन्न कर देती हैं। अगर आपने अब तक दिन रात उनकी पूजा की है और आपको अभी तक कोई शुभ परिणाम नहीं मिले तो आप ये कहानी जरूर सुने। इस कहानी में ऐसा उपाय छिपा है जिससे आप सुख समृद्धि और धन कमा पाएंगे। लक्ष्मी माता की दोस्ती आपको बेड़ा पार कर देगी। कहते हैं जीवन में अच्छे दोस्त मिल जाए तो आधी से ज़्यादा परेशानियां यूं ही दूर हो जाती है। जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां धन से जुड़ी भी होती है। ऐसे में अगर आप माता लक्ष्मी से पक्की दोस्ती कर लेंगे तो आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी और उनकी सहेली की कहानी। पौराणिक कथाओं में से है देवी लक्ष्मी और उनकी सहेली की कहानी। एक बार की बात है, दूर गांव में एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। वो नियम पूर्वक हर रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। उस लड़की से प्रसन्न देवी लक्ष्मी पीपल के पेड़ से प्रकट होती, उससे मिलती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते चले गए। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लड़की ने सोचा पेड़ से निकलती माता लक्ष्मी भला मेरी सहेली क्यों बनना चाहती है। उसने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर जाकर उस लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने कहा भला कौन माँ लक्ष्मी की सहेली नहीं बनना चाहेगा, उनकी कृपा से जीवन में उन्नति और तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। अगले दिन वो लड़की फिर पीपल पर जल चढ़ाने गई। देवी प्रकट हुई तो लड़की ने कहा हाँ मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। कुछ दिनों बाद माता लक्ष्मी ने अपनी सहेली को अपने घर पर खाने का न्योता दिया। जब सहेली माँ लक्ष्मी के घर पहुंची तो उन्होंने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जब सहेली लौटने लगी तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम भी मुझे अपने घर बुलाना। लड़की ने हाँ कहा और वो घर चली गई। माता लक्ष्मी की सहेली घर में उदास बैठकर सोच रही थी कि जब वो मेरे घर आएंगी तो मैं क्या करूँगी। उसने अपने पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, चार मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने ऐसा ही किया। तभी अचानक एक चील रानी का 9 लक्खा हार लेकर उड़ रहा था, वो उसने लड़की के घर में गिरा दिया। लड़की ये देखकर प्रसन्न हो गई, वो सुनार के यहाँ गई। उसने दिल खोल माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियाँ की। रसोई बनाने के बाद जब लड़की ने गणेश जी से माँ लक्ष्मी को बुलाने का आग्रह किया तो आगे आके गणेश जी और पीछे पीछे माता लक्ष्मी उसके घर आ गए। लड़की ने सहेली रूपी माता लक्ष्मी को सोने की चौकी पर बिठाया। देवी माँ ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी खातिर को देखते हुए कहा कि आज तक किसी राजा रानी ने भी मुझे इस तरह भोजन नहीं करवाया है। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही, उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो लक्ष्मी माँ की जय। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।